साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी बहता हुआ अच्छा होता है, रुका हुआ पानी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पानी रुकेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो बदबू भी आएगी, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर में है बॉडी फ्लूइड्स, हमारे शरीर में है ब्लड, हमारे शरीर में है ऊर्जा। ठीक, जब कभी भी बॉडी फ्लूइड्स हैं ये बहना बंद हो जाएं, एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ब्लड है वो बहना बंद हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए, या ऊर्जा एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो सिम्टम्स में क्या आएगा, रोगी को उस जगह पे जहाँ पर ये चीज़ इकट्ठी हुई है वहाँ पर रोगी को दर्द होने लग जाएगा, दर्द की फीलिंग आएगी, पेन हो जाएगा और गांठें भी बन सकती हैं। तो साथियों, इसे कहते हैं अकुमुलेशन, यानी कि इकट्ठा होना। तो यदि आप भी परेशान हैं अपने शरीर में कहीं पर भी दर्द की, यहाँ दर्द और वहाँ दर्द और शरीर में जगह जगह गांठें हो रही हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और विस्तार से समझते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कि जब आप करेंगे स्टिमुलेट तो किसी भी वजह से जो रुकावट शरीर में हुई है, जिसकी वजह से दर्द और गांठें बन गई हैं, आप जल्दी से ठीक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वाशने, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सॉल्यूशन मैग्नेट्स की। बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से वाइट कलर के, दूसरी तरफ से ये येलो कलर के होते हैं। आप कहेंगे कि मैम ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निगाह डालिए नीचे, एक वेबसाइट की लिंक है sambhavcare.com, पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहां से मंगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं उन खास प्रेशर पॉइंट्स की। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 हैं, वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है साथियों, यदि हम मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में यदि एक सीधी लाइन खींचते हैं, पहले एक लाइन खींचे क्योंकि एग्जैक्टली लाइन के ऊपर है पॉइंट, ताकि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एक एक पॉइंट बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। तो एग्जैक्टली हम पॉइंट तक पहुंचे, इसके लिए मिड लाइन हमने कर ली मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में, और जो रिस्ट फोल्ड है यहाँ से हमने बिल्कुल एक बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींच ली, और जो हमारा पॉइंट है साथियों वो इस जगह पर है। पॉइंट का नाम है CV-13, कंसेप्शन वेसल 13। एक पॉइंट, क्योंकि आप ये पॉइंट ढूंढना इजी था, इसी के बिल्कुल साइड में टुवर्ड्स थंब एक और पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है K-20, किडनी 20, CV-13 और K-20। चलिए वन बाय वन करके हम पहले मैग्नेट्स पे लगाना सीख लेते हैं कि किस प्रकार से उपचार करना है। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 6 हैं, अभी बात हो रही है दो पॉइंट्स की। हमें पेपर टेप में देखिए इस तरीके से मैग्नेट को लेना है कि स्किन में जो टच होगा वो वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा येलो, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पास पास में हैं। इस प्रकार से हमने पेपर टेप में दोनों पॉइंट्स पास पास में ले लिए, और जो ये हमारे पॉइंट हैं कौन कौन से, CV-13 और किडनी 20, दोनों के ऊपर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा देंगे। पॉइंट बाइलेटरल है, यानी दोनों ही हाथों में हमें इस ट्रीटमेंट को करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स, अब बात करते हैं बाकी और पॉइंट्स की। तो एक पॉइंट साथियों हमारा है मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट और बिल्कुल किनारे टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है K-10, किडनी 10। यहाँ पर भी हम इस प्रकार से मैग्नेट को लेंगे कि स्किन में जो टच होगा वो वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा येलो, और जो ये हमारा पॉइंट है K-10, इसके ऊपर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा देंगे। अब बात करते हैं यांग साइड की, यानी कि पीछे की तरफ। पीछे जो हमारा पॉइंट आ रहा है साथियों, एक पॉइंट है मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट, जॉइंट से स्लाइटली नीचे टुवर्ड्स थंब, ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है स्टमक 36। यहाँ पर भी हम इस तरीके से मैग्नेट को लेंगे कि स्किन में टच होगा वाइट, बाहर से दिखाई देगा येलो, यानी हम कर रहे हैं इस पॉइंट का
सडेशन। सारे पॉइंट्स को हम सडेट कर रहे हैं क्योंकि अकोमोलेशन है, गैदरिंग है, हमें निकाल बाहर करना है, तो इसी वजह से हमने सारे पॉइंट्स को सडेट किया। अब बचा लास्ट पॉइंट, ये भी हमारा मिडिल फिंगर, अपर जॉइंट, और जॉइंट पे ही है ये पॉइंट, बिल्कुल जॉइंट पर ही है, किनारे टुवर्ड्स थंब, और पॉइंट का नाम है स्टमक 41। इस पर भी हम इसी प्रकार से मैग्नेट को लगाएंगे कि स्किन में टच होगा वो वाइट, बाहर से जो दिखाई देगा येलो, यानी हम भी कर रहे हैं इस पॉइंट का सेडेशन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 5 है, बाइलेटरल है पॉइंट दोनों ही हाथों में, और सारे के सारे पॉइंट्स को हमने सेडेट किया। तो इस उपाय को आप भी करिए, रोज रात में आप 8 घंटा लगाकर सो भी सकते हैं, और सोते सोते आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ दिन तक आपको इस उपाय को करना होगा, कम से कम 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ कितनी गांठें हैं आपके शरीर में, कहाँ दर्द हो रहा है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम ड्यूरेशन है वो घटा बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, है ना ये चिकित्सा पद्धति कितनी सरल और सहज, घर पर रहकर ही आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में ठीक कर सकते हैं। यदि मन है आपका इस चिकित्सा को सीखने का, तो निगाह डालिए स्क्रीन पर, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन इस तरीके से किए हैं कि आप घर पर रहकर ही ये सारी बारीकियाँ सीख सकें, अपना उपचार खुद कर सकें, करियर भी बनाने का मन है तो वो भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन कोर्सेज को कर कर। तो साथियों, आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, और आप भी परेशान हैं बीमारियों से और उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ये तो वेबसाइट पर ही बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।